देश में दशहरा जहां असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक के रूप में मनाते हुए रावण के पुतले का दहन किया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में एक ऐसा गांव है जहां रावण ग्रामीणों के लिए आस्था का प्रतीक बना हुआ है। यहां रावण ग्रामीणों की मन्नतों को पूरी करता है और ग्रामीण रावण व कुंभकर्ण की मूर्ति की पूजा अर्चना करते हैं। गांव गांव के लोग रावण से मन्नत मांगते हैं और तो और इस गांव के पहचान से रावण का नाम तक जुड़ा हुआ है। इस गांव में रावण को जलाया नहीं जाता। गांव के सड़क किनारे रामचंद्र यादव के खेत में रावण और कुंभकर्ण की प्रतिमा 100 साल से अधिक पुरानी बताई जाती है। राजगढ़ जिले के इस गांव का नाम है भाटखेड़ी, जिसे कि रावण वाली गांव के नाम से पहचाना जाता है। ग्रामीणों की धारणा है कि यह रावण मन्नत पूर्ण करने वाला रावण है। यहां हर दशहरे पर रावण की पूजा अर्चना करने के लिए ग्रामीण पहुंचते हैं। विजयादशमी के पूर्व में इन प्रतिमाओं का रंग रोगन किया जाता है और नवरात्रि में कई सालों की परंपरा अनुसार गांव में रामलीला का आयोजन भी किया जाता है और दशहरे के दिन यहां आकर पूजा अर्चना कर ग्राम की खुशहाली के लिए मन्नत मांगी जाती है।